दोस्तों ये है नारियल की गिरी, जिसको खोपरा भी बोलते हैं। इसमें से जो पानी निकला है वो आप देख लीजिए, ये पानी निकला इसमें से, और ये पानी वाला नारियल था। मतलब ये वो पानी वाला नारियल नहीं था जो हरे रंग का होता है, ये वो था जो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, जटा वाला नारियल जिसको बोलते हैं, ये वो नारियल था। उसमें से ये गिरी तो खाने के लिए निकल गई, पानी पीने के लिए निकल गया। अब मेन जो बात है वो ये कि इसका जो ये वाला पोर्शन है, देख रहे हैं आप जटाएं इसकी, ये तो निकल गई बाहर, और ये है इसका हार्ड शेल, देख रहे हैं आप, ये हार्ड शेल है इसका। और ये जो इसका बुरादा सा बच गया, ये है कोकोनट हस्क। हस्क इसकी भी बनती है, इसी को काट काट के छोटा छोटा पीसेस करके उसको फिर मिक्सर में आप चला सकते हैं, तो वो पाउडर शेप में बन जाएगा, थोड़े से रेशे बच जाएंगे, या उसको काट काट के वैसे यूज़ कर लीजिए, तो ये कोकोनट की कोकोपीट बनेगी। ओके, तो ये हो गई कोकोपीट। अब इन दोनों चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं अपने एक्वेरियम में, वो कैसे? पहली चीज़ तो ये, इसको भी आप किसी थैली में बांध के, या पुरानी कोई जुराब हो आपके पास, सॉक्स जिसको बोलते हैं, उसमें इसको छोटे छोटे पीसेस करके काट के, बिल्कुल महीन मत कीजिए, थोड़े छोटे पीसेस करके उसको उसमें भर के रबड़ बैंड लगा कर या बांध कर उसको आप फिल्टर में डाल दीजिए, तो ये पानी को सॉफ्ट और एसिडिक करेगा। ओके, दूसरा जो यूज़ है वो हम इस हार्ड शेल का भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये जो पीसेस हैं इनको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे, जैसे कि ये पीसेस हैं, ये देखिए, और जैसे हम अपने टॉप ऑन फिल्टर में या ओवरहेड फिल्टर में, आपने नोटिस किया होगा कि सेरेमिक रिंग्स डालते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन डालते हैं, उसी तरह से हम इसको डालकर वहाँ पर इससे फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपने एंजल फिश रखी है, डिस्कस रखी है, या कोई और सॉफ्ट वाटर में रहने वाली फिश रखी है जो कि सॉफ्ट और एसिडिक वाटर कंडीशंस मांगती है, तो आप इन दोनों चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं बड़े आराम से। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपके काम की साबित होगी। अगर इसी तरह की और भी टिप्स एंड ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।